डोरे डालने वाली साली से परेशान जीजा। अरे देखो, मैं शॉपिंग करके आ गई, तुम दोनों के लिए वेलवेट बैंगल्स लेकर आई हूँ। ये मॉम हमारे लिए चीज लेकर आई हैं, पहले मैं देखूंगी मुझे कौन सा लेना है। ये कहते ही हड़बड़ाहट में अपनी माँ से शॉपिंग बैग्स लेकर उन बैंगल्स को लेती है, जिससे वह अपने बैंगल्स की डिब्बी को गिरा देती है और सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। ओफो, ये क्या हो गया? देख तूने क्या कर दिया, इसलिए बोल रही थी आराम आराम से कर। नीति बेटा, तू कब बड़ी होगी? अगर तू यही काम आराम से करती तो इतना नुकसान नहीं होता। अब तू क्या पहनेगी? सॉरी मम्मी दीदी, दीदी आपकी ठीक है, आप ये पहन लो, मैं फिर कभी देख लूंगी। मैं अपनी बहन को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती हूँ, ये सारी चूड़ियाँ तू ही ले ले। नहीं दीदी, मैं आपकी चीज कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, हम दोनों आधी आधी चूड़ियाँ पहन लेते हैं। ये अच्छा है। दीदी आप कितनी अच्छी हो, मेरा हमेशा ख्याल रखती हो, मेरी बेवकूफियों को नजरअंदाज करती हो। ऐसे ही दी आप हमेशा मेरे साथ रहना। बड़ा, तेरी बहन हमेशा तेरे साथ ऐसे नहीं रहेगी, लड़का देख लिया है, अगले महीने शादी है, याद है ना? इसका मतलब दीदी मुझे छोड़कर चली जाएंगी? ओफो, इतनी सेंटी मत हो, जब तेरा मन हो आ जाया करना। जी मेरी प्यारी दीदी। दरअसल दोनों बहनों के बीच बहुत प्यार था। पारुल अपनी छोटी बहन को हमेशा प्यार करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, उसकी शैतानियों को पसंद करती थी, और जो चीज नीति को अपनी बड़ी बहन की पसंद आ जाती थी तो पारुल हमेशा दे दिया करती थी, चाहे खाने की चीज हो या कपड़ों की। पर आगे जो होने वाला था वो कुछ ऐसा होने वाला था जिसे पारुल कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले महीने पारुल की धूमधाम से आरव के साथ शादी हो जाती है। विदा होने से पहले आरव कहता है, ओ माँ जी, मेरे जूते तो दिलवा दीजिए, वरना आपकी बेटी को अपने साथ लेकर कैसे जाऊंगा। अरे नीति बेटा, अपने जीजा जी के जूते दे दो, अब कब तक छुपाओगी? ठीक है जीजू, ये लो आपके जूते, पर पहले पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो, वो भी पूरे 10,000। बस 10,000 ही ना, अभी देता हूँ, हाथ आगे करो। ये कितने हैं? ये तो 10 हैं बस। अरे अभी और देता हूँ, अब बताओ ये कितने हैं? ये तो 1,000 हैं। हाँ तो टोटल हो गए ना 10,000, चलो अब मेरे जूते दे दो। ओ जीजू के बच्चे, 10,000 दो, 1,000 ₹10 नहीं, बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं, जाने नहीं दूंगी। अच्छा अच्छा, ये लो 9,090, हो गए ना 10,000। हाँ अब सही है। वैसे जीजू आपको पता है ना, साली आधी घरवाली होती है, मैं दीदी के बिना रह नहीं सकती, तो मैं भी चलूँ आपके साथ? बोलो ना माँ, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आ जाओ। ठीक है दामाद जी, जब आपने कह दिया है तो ले जाइए, मैं अभी थोड़ी चिंता मुक्त रहूंगी इससे। फिर नीति अपनी दी और जीजू के साथ उनके ससुराल पहुंच जाती है। दो चार दिन हंसी खुशी से बीत जाते हैं। फिर एक दिन पारुल खाना बना रही थी, तभी आरव की आवाज आती है, पारुल पारुल मुझे टॉवल चाहिए, मैं बाथरूम में नहीं लेकर गया। ओफो, ये भी ना। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, आप बस मेरे सैंडविच पर फोकस कीजिए, मैं जीजू का काम कर देती हूँ। ठीक है जा। इतना कहकर नीति अपने जीजू को बाथरूम में टॉवल देने जाती है, तो आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। ओहो जान, तुम्हारी गोरी गोरी कलाइयां, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओफो, ये जीजू क्या कर रहे हैं? पता नहीं उनके छूते ही मेरे पेट में तितली क्यों उड़ रही है, छोड़िए मेरा हाथ। ये सुनकर आरव हाथ छोड़ देता है और टॉवल में बाहर आ जाता है और बैग से अपनी साली को पत्नी समझकर गले लगा लेता है। क्या बात है, आज तो तुम्हारी खुशबू अलग अलग आ रही है। अच्छा जीजू, आपको पसंद आ गया तो रोज मैं आपसे ऐसे ही लिपट जाया करूंगी। जीजू, ये सुनते ही आरव उसे छोड़ देता है। सॉरी सॉरी नीति, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा पारुल है इसलिए मैंने पकड़ लिया था। कोई बात नहीं आरव जीजू, वैसे भी आपने तो कहा ही था मैं आपकी आधी घरवाली हूँ, तो आप मेरे साथ भी आधे आधे नॉटी हो सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ, पारुल को आना चाहिए था यहाँ पर, तुम्हें नहीं। ठीक है, आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। हाय,
आरफ टावल में कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी तो थोड़ा हक है ना उनके साथ ऐसे रहने का। कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो नीति आरव के पैरों पर टच करने लगती है। ऐसा महसूस करते वक्त आरव नीति को देखता है, तभी नीति उसे आंख मार देती है और वो खांसने लगता है। पानी, पारुल पानी देना। अचानक से आपको खांसी कैसे आ गई? क्या हुआ जीजू, कुछ अजीब फील हो रहा है क्या आपको? कुछ नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलता हूँ, बाय पारुल, लव यू। लव यू टू आरव। लव यू जीजू। हट पागल, कुछ भी बोलती है। दीदी आपको तो पता है मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, चुलबुली। अपनी साली की अजीब हरकतें देखकर आरव ऑफिस चला जाता है। वक्त गुजरता है, नीति अपने जीजू पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी उसके साथ बाइक पर बैठते समय कस कर पकड़ लिया करती थी, तो कभी रात को डर लगने पर बहाने से उसे कमरे में बुलाती थी और चिपका करती थी। आरव इन सबसे परेशान हो गया था। एक दिन वह ऑफिस से जैसे ही आता है तो नीति उसके आते ही हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी आपका। हम साथ में वीडियो गेम खेलेंगे, अभी मैं पानी लेकर आती हूँ। ये भी ना कितनी फुदकती रहती है आपके लिए। नीति के रसोई में जाने के बाद आरव कहता है, पारुल तुम्हारी बहन नीति के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते, हर बहाने से छूती रहती है, चिपकती रहती है। उस दिन तुम्हारे सामने आई लव यू भी बोल रही थी, उसे थोड़ा रोको और समझाओ। अरे आप उसकी बातों को गलत मत लीजिए, वो ऐसे ही रहती है, चुलबुली सी। फिर भी पारुल। दो दिन गुजर जाते हैं। किशोरी ने नीति के लिए भी एक लड़का देख लिया था। ये पता चलते ही नीति गुस्से में आ जाती है और लड़के को किसी तरह अपने झूठे बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है, जिससे उसका रिश्ता टूट जाता है। वो आरव की शर्ट पकड़ कर रो रही थी, तभी पारुल आती है। नीति तू इनकी शर्ट पकड़ कर क्यों रो रही है, क्या है ये सब, मुझे दे। नहीं दीदी मुझे रोने दीजिए, क्योंकि मैं उनको तो गले नहीं लगा सकती। ये तू कैसी बातें कर रही है, जीजू है वो तेरे? नहीं दीदी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। ये सुनते ही पारुल नीति के एक चांटा मार देती है। क्या बोला तूने, उनसे प्यार करती है? जरा सी भी शर्म आ रही है तुझे ये कहते हुए? तू मेरी सौतन बनना चाहती है? अरे तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने तुझे अपनी हर चीज दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे अपना पति भी बांट दूंगी। चली जा यहाँ से, मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने आरव की बात नहीं मानी। नहीं दीदी। देखा मैंने पहले ही कहा था कि ये कुछ गलत सोच रही है। तभी पारुल अपनी बहन को घर भेज देती है। ये जानने के बाद किशोरी उसकी शादी गौरव नाम के लड़के से कर देती है। दिन गुजरता है, धीरे धीरे नीति आरव को भुलाकर गौरव के साथ रहने लगती है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा उसके पति गौरव पर डोरे डालने लगती है, उसका हाथ पकड़ती है, बार बार उसके घर पर आती है। ये सब वो अक्सर नोटिस करती थी। गौरव तुम्हें नेहा थोड़ी अजीब नहीं लगती है? लगती है शायद, ज्यादा ही फ्रैंक है, और अभी उसने मुझे कॉल भी किया, बोल रही है कि तुमसे मिलने आ रही है। अच्छा ये बात है, वो मुझे भी तो कह सकती थी। कोई बात नहीं, पता नहीं तुम्हें ही क्यों हर चीज बोलती है। कुछ देर बाद नेहा आ जाती है। हाय नीति। गौरव कैसे हो? ये देखो तुम दोनों के लिए रसमलाई लाई हूँ, अपने हाथ से खिलाऊंगी। एक मिनट, सबसे पहले गौरव आपको, आपको पसंद है ना, लीजिए। ऐसा कहकर नेहा उसे रसमलाई खिला देती है, जो कि नीति को अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे भी खिलाइए। नहीं मैं पहले उसे खिलाऊंगा। गौरव जैसे ही नीति को खिलाता है तो झट से नेहा ही खा लेती है। ये देखकर नीति उसे चांटा मारती है। हाउ डे यू नेहा, तू गौरव का जूठा क्यों खा रही है? और देख रही हूँ बहुत चिपकने भी लग गई है, उन पर डोरे डालना बंद कर। नहीं मैं नहीं कर सकती, because I love him. तुझे शर्म भी आ रही है? तू क्या कह रही है? चली जा यहाँ से, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मुझे नहीं पता था ये नेहा इस तरह की निकलेगी। मुझे समझ आ रहा है दीदी को कितना बुरा लगता होगा मेरी ऐसी हरकत करने से, मुझे उनसे सॉरी कहना चाहिए। पहले नीति अपनी बेस्ट फ्रेंड को उस घर से निकाल देती है और अपनी दी और जीजू के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। पछतावा होने के बाद पारुल उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगती हैं। दो काली एक गोरी बहन का एक ससुराल।
भूमि, ध्वनि और अनुष्का तीनों ही बहनें थीं, लेकिन भूमि और ध्वनि का रंग सांवला था जबकि अनुष्का एकदम दूध की तरह गोरी थी। तीनों ही बहनें वैसे तो गरीब थीं, लेकिन ध्वनि, अनुष्का चलो कॉलेज का टाइम हो रहा है। चलो दीदी मैं तैयार हूँ। अनुष्का कहाँ है? हाँ, आप लोग जाओ, मैं पीछे से अपनी फ्रेंड के साथ आ जाऊंगी। ठीक है तो हम चलते हैं। भूमि और ध्वनि कॉलेज जाने के लिए निकल गई। अनुष्का घर में ही थी। अरे तू कॉलेज नहीं गई? माँ मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोल। माँ मेरा ना मॉइस्चराइजर और टोनर खत्म हो गया है, तो क्या आप मुझे उसके लिए थोड़े से पैसे दे सकती हो? पैसे? अच्छा ठीक है, ये ले। अनुष्का हमेशा ऐसा ही करती थी। वैसे वो लोग गरीब थे, लेकिन वो अपनी माँ से अपनी स्किन केयर के लिए चिप चिप कर पैसे मांगती थी। अपनी बहनों के मुकाबले अनुष्का थोड़ी चालाक और ज्यादा खर्चीली थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं कॉलेज में तीन भाई भी पढ़ते थे, जिनसे अनुष्का, भूमि और ध्वनि की अच्छी बोलचाल थी। निखिल मुझे ये समझाओ ना, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एक मिनट दिखाओ। निखिल अनुष्का को सवाल समझाने लगा कि तभी वहाँ ध्वनि भी आ गई। निखिल भैया मुझे भी ये वाला सवाल बताओ ना। अरे अरे तुम मेरे पास क्यों आई हो? जाओ जाकर किसी अपने जैसे से ही पूछो। निखिल की बात सुनकर अनुष्का अपनी ही बहन पर हंसने लगी। ध्वनि बेचारी उदास हो गई कि तभी वहाँ निखिल का ही भाई गौतम आ गया। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें ये सवाल समझा देता हूँ। आपका शुक्रिया गौतम जी। अरे शुक्रिया कैसा, और हाँ अगर कभी भी तुम्हें किसी भी सवाल में दिक्कत आए तो तुम मुझसे बेधड़क पूछ लेना। निखिल का बड़ा और छोटा भाई जरा भी उसकी तरह नहीं थे। वो लोग रंग वगैरह का भेदभाव कभी नहीं करते थे, जिसकी वजह से ध्वनि और गौतम में भी गहरी दोस्ती हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ भूमि और पूरब भी अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऐसे ही दोस्ती दोस्ती में तीनों ही भाइयों को उन लड़कियों से प्यार हो गया, और सही मौका देखकर उन्होंने अपने दिल की बात भी बता दी। तुम्हारी अंदरूनी सुंदरता ने मेरा दिल जीत लिया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी भूमि? जरूर। तीनों भाइयों ने एक मंदिर में शादी कर ली और अपनी बीवियों के साथ अपने घर आ गए। अपने बेटे को बहुओं के साथ देखकर सरला को बहुत बुरा लगा। तुम तीनों के सर पर सहरा बनवाने के मैंने कितने सपने सजा रखे थे, और तुमने नालायकों मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माफी चाहते हैं माँ, लेकिन अगर हम अपनी पसंद आपको बताते तो आप कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होती, इसलिए हमने ये कदम उठाया। अब ये बातें छोड़िए, अपनी बहुओं का गृह प्रवेश तो कराइए। सरला अपने बेटों के आगे मजबूर थी, उसने अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। अब भाभियां आ ही गई हैं तो अपना मुखड़ा तो दिखा दो। अपनी ननद के कहने पर तीनों बहनों ने अपना घूंघट हटा दिया। घूंघट हटाते ही सरला अनुष्का को देखकर खुश हो गई, लेकिन उसे भूमि और ध्वनि अपने बेटों के साथ जरा भी हजम नहीं हो रही थी। ये किन भिखारिनों को उठा ले आए हो तुम दोनों? अरे जरा अपनी शक्ल देखो और इन कलूटियों की शक्ल देखो, जमीन आसमान का अंतर है। बस करो माँ, हर चीज का बस रंग रूप ही नहीं होता है, आपको इंसान की अंदरूनी सुंदरता देखनी चाहिए, ना कि बाहरी दिखावा। सरला के बेटे ऐसे बोलकर अपनी अपनी बीवियों को कमरे में ले गए। सरला ने अपने शांत से बेटों का ऐसा रूप पहली बार देखा था। इन काली कलूटियों ने कौन सा जादू चला दिया मेरे भाइयों पर? क्या पता, इन कालियों को तो मैं बताऊंगी। अगली सुबह अपनी भाभियों की पहली रसोई में जब भूमि और ध्वनि खाना बना रही थी, तब पूजा ने छिपकर अपनी काली भाभियों के खाने में नमक मिर्च मिला दी और उनकी पहली रसोई को बिगाड़ दिया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और शादी हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था। पूजा अपनी भाभियों को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और सरला अगर कभी भी अपनी काली बहुओं को अपने बेटों के सामने कुछ बोलती थी तो वो नाराज हो जाते। इसीलिए सरला ने भी अपनी चालाकी से अपने बेटों के सामने बहुओं के साथ अच्छी बनने का नाटक शुरू कर दिया था। और बेटों के जाने के बाद, ए काली भूमि। जी माँ। देख जरा यहाँ कितना मकड़ी का जाल लग रहा है, चल जल्दी से इसे साफ कर। जी। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे बहुत उठ गई ध्वनि। ओ ध्वनि जा जल्दी से अनुष्का के लिए नाश्ता बना, बहु तू जाकर हाथ मुंह धो ले। ओके माँ। ओए काली ध्वनि, मेरे चाय में ना चीनी की जगह शक्कर डालना, ठीक है? जी दीदी। सरला रोज ऐसे ही करती थी, वो अपनी गोरी बहू को तो बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखती थी,
और अपनी काली बहुओं को बिल्कुल पैर की जूती की तरह। लेकिन सरला से भी ज्यादा खतरनाक उनकी ननद पूजा थी। भाभी देखो आज ना ब्लैक फ्राइडे सेल है, आज सारी चीजें आधे दामों पर मिलेंगी। सच? पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसकी चिंता आप मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप बस चलने की तैयारी करो। अनुष्का और पूजा शॉपिंग के लिए चली गई और वहां से बहुत सारी चीजें खरीद कर लाई। भूमि और ध्वनि भी वहीं खड़ी सभी चीजें देख रही थी। क्या है काली माइयों, मेरे सामान से अपनी काली नजर को हटा लो, समझी? दोनों बहनें उदास होकर अपने कमरे में आ गई। हम इस घर की बहुएं होकर भी इस घर का हिस्सा नहीं है। ऐसा मत कहो दीदी, एक दिन इस घर में हमें भी अहमियत मिलेगी, बस थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। इसी तरह से कई दिन बीत गए। बेचारी काली बहुएं सभी अत्याचारों को बस खामोश रहकर सहन कर रही थी। एक दिन भूमि सीढ़ियों की झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहां पूजा आई और उसने उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसी का पांव फिसल गया और पूजा सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। पूजा! उसे टांगों में बहुत जोर से चोट आई और उसके एक पांव में फ्रैक्चर हो गया। भूमि ने जल्दी से उसे उठाया और वो उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई। जबकि वहीं खड़ी अनुष्का ने पूजा पर जरा ध्यान नहीं दिया। पूजा अपनी काली भाभियों की अच्छाई देखकर बहुत हैरान थी और साथ ही खुद पर शर्मिंदा भी। पूजा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं अब ठीक है। चलो अच्छा है। भूमि पूजा को घर ले आई और अपनी दोनों काली बहनें बड़े ही ध्यान से पूजा की दवाई और सेवा करने लगी। सरला भी ये सब कुछ देखकर हैरान थी। अनुष्का तेरी बहनें सारा सारा दिन पूजा की सेवा में लगी रहती, कभी तू भी कुछ कर दिया कर। मेरे पास ना ये सबके लिए समय नहीं है, अनुष्का ऐसी बोलती हुई चली गई। दोनों बहनों ने खूब मन लगाकर पूजा के सही होने तक उसकी सेवा की। दोनों माँ बेटी अपने बुरे बर्ताव के लिए बेहद शर्मिंदा थी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो आपकी बिना वजह ही दुश्मन हो गई थी। भैया सही बोलते थे कि जिंदगी में हर चीज बस रंग रूप नहीं है, मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और मुझे भी हो सके तो माफ कर देना बहू। माँ आप ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा मत करो, हम एक परिवार हैं और हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सही बोला बहू तूने। अपनी सास और ननद को माफी मांगते देख अनुष्का को भी उसकी गलती महसूस हुई और उसने भी सभी से माफी मांगी। उस दिन के बाद से फिर कभी उस परिवार में रंग या रूप को लेकर कोई भेदभाव नहीं हुआ और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।